हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स हाजरा। अच्छा जी, तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। और ये था वो प्रोडक्ट, एमली के 24 कलर्स हाईलाइटर, और ये इंतहा के पिगमेंटेड और इतने ज़बरदस्त कि मज़ा आ जाए इनको स्वाच करके और इनके साथ आई मेकअप की लुक्स क्रिएट करके। ठीक है जी, इसमें 24 कलर्स हैं आप लोगों के सामने, है लाइट भी है, डार्क शेड भी है और वार्म शेड भी है। ठीक है, सब शेड अवेलेबल हैं इसमें और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, आप लोग इजीली बाय कर सकते हैं। और ये मैंने जहाँ से बाय किए थे मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है जी, इंस्टाग्राम पर इनका पेज है, आप लोग उनके पास जाएँ और ज़रूर बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कलर्स हैं। ठीक है, और कोई भी इसमें से ऐसा कलर नहीं है जिसकी पिगमेंट ना हो। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे जाके वीडियो में स्वॉच करके भी दिखाऊंगी कि इनके कितने ज़्यादा ये हाई पिगमेंट है, एक सुपर मतलब लाइक कह लें। अच्छा जी, आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है, और अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो आपने मुझे बताना है कि मैं नेक्स्ट किस प्रोडक्ट पर रिव्यू करूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए आगे भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लेकर आती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है जी, और मैं जो हूँ अब इसको मैं हाइलाइटर्स को अपने बॉक्स से बाहर निकाल कर तो इनके कैप्स वगैरह ओपन करके तो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, कमेंट्स लाजमी करना, कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को मेरी अच्छी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है जी, तो ये मैंने बॉक्स से बाहर निकाल लिए। ठीक है, निकाल लिए आप लोग खुद देखें, आप लोगों को करीब से मैंने स्टार्ट में वीडियो चला दी थी, सारे कलर्स आ गए होंगे, ब्राउनिश, सिल्वर, ग्रीन, पिंक, येलो, डार्क येलो, मॉम येलो, हर कलर है इसमें, बहुत ही प्यारा पर्पलिश सा कलर भी था। ये मैंने कुछ शेड्स के जो कैप थे मैंने ओपन कर लिए थे ताकि आप लोगों को मैं इनको सर्च करके दिखा सकूं। सारे तो मैं इस वीडियो में नहीं कर दिखा सकती थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, फिर आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब वीडियो को आगे बढ़ाया जाए और इन शेड्स को सर्च किया जाए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो सिल्वर शेड है, ठीक है, ये मैंने लास्ट अपनी वीडियो में जो मैंने मिनाल खान का वलीमा ब्राइडल मेकअप लुक किया था इंस्पायर्ड, मैंने उसमें ये वाला सिल्वर शेड यूज़ किया था। ठीक है जी, और बाकी ये वाले जो मैंने जितने भी ओपन किए हैं इनके स्वाचेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले ये वाला जो शेड था, अच्छा इनके शेड्स के नाम नहीं लिखे हुए, पर आप लोग इसको ये कह लें कि ये पीच शेड है। ठीक है, पीच शेड है, मैं आप लोगों को उसको स्वॉच करके दिखा रही हूँ। और ये देखें जी, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड, हाई पिगमेंटेड थे। और अभी मैंने जस्ट इसमें से मैंने जस्ट एक हाईलाइटर के साथ जो है मैंने एक लुक क्रिएट की है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ मैं आप लोगों के साथ इजी लुक्स क्रिएट करूँगी, और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है जी, बिगनर्स इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो जस्ट अपनी लिड पे लगाए, क्रीज जो है वो ब्राउन कर लें, उनके ड्रेस का जो भी कलर है वो इसमें से वो वाला पिगमेंट अपनी लिड पे लगा दे तो उनका मेकअप इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये बहुत प्यारा पर्पल से शेड था, ये मैंने अप्लाई किया, पर मसला ये हुआ कि दो कलर जो थे वो आपस में मिक्स हो गए जब मैं सॉच कर रही थी। खैर, ये थोड़ा ये पिंक शेड था और ये शेड जो है ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट था इनमें से, और उसके बाद ये येलो। येलो तो आप लोग देखेंगे तो इस शेड में आप लोगों का दिल आ जाएगा। ये देखें जी, मैं आप लोगों के साथ हॉनेस्ट रिव्यू हमेशा शेयर करूँगी, मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप लोगों के पैसे वेस्ट हों। ठीक है, और ये था ग्रीन शेड। ग्रीन शेड भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, और क्या नाम लेते हैं, मैंने इस पर एक लुक भी सोच रखी है मैं कौन सी क्रिएट करूँगी, इंशाल्लाह मैं जल्द शेयर करूँगी। और उसके बाद ये रेड शेड था, मेरी बहन जो थी वो मोबाइल पकड़ी तो वो कहती आप पीस को भी सोच करके दिखाओ, तो ये वाला भी शेड था और ये वाला भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। सब शेड्स ही बहुत प्यारे हैं नो डाउट,
पर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो पर्पल था, येलो था और ग्रीन था। ठीक है, ये ब्लू शेड में भी था, बहुत अच्छे अच्छे जो शिमर शेड्स थे इसमें, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। और जब मैंने ये लिए तो मुझे बिल्कुल ये फील नहीं हुआ कि हाँ मैंने पैसे ज़ाया कर लिए हैं। ठीक है, ये रिंग लाइट अभी तो फ़िलहाल रिंग लाइट लगी हुई थी जिसमें मैं आप लोगों को स्वॉचेस दिखा रही हूँ। मैंने कुछ के किए हैं, कुछ के नहीं किए। जो मुझे क्यों मैंने नहीं किए, इसलिए कि वीडियो लंबी हो रही थी। ठीक है, और ये सारे शेड्स थे और मेरी तरफ से तो ये 100% रिकमेंडेड है ना, आप लोगों ने मस्ट है कि आप लोगों ने बाय करने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलना, मैं वहाँ पे एक्टिव होती हूँ। आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछना पूछ सकते हैं, और मुझे फॉलो लाजमी करना है आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा जी, ये रिंग लाइट के साथ है और मैंने रिंग लाइट के बगैर भी आप लोगों को आगे एक वीडियो रिकॉर्ड की है, उसको भी देख लेते हैं। चले जी। अच्छा जी, तो ये रिंग लाइट ऑफ़ की थी, जस्ट रूम की लाइट ऑन थी और ये स्विचेस थे। रिंग लाइट के बगैर कोई फ्लैश नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रहा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट लाजमी करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।